हेलो क्लास। तो पिछले वीडियो में हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि लैंड रिसोर्सेज कैसे यूज किए जाते हैं, लैंड रिसोर्सेज में पोल्यूशन कैसे होता है और वो कंजर्व कैसे करना चाहिए, इंडिया में लैंड यूज कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। ठीक है, लैंड के बारे में। अब दूसरा टॉपिक आज हमारा स्टार्ट होता है, वो है सॉइल। ठीक है, सॉइल क्या होता है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो आप अंडरलाइन करते जाओ साथ साथ में, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉयल। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड लैंड फॉर्म। लैंड लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ द सॉयल। जो लैंड फॉर्म होती है वो डिटरमाइन करती है, मतलब जिस तरह का पत्थर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिस तरह का लैंड फॉर्म मतलब बेसिक रॉक जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा वही घिसेगा, वही घिस घिस के रॉक क्या बनाएगा, सॉयल बनाएगा। हमने पिछली वीडियो में वेदरिंग डिस्कस किया था, है ना, कि वो पत्थर घिस घिस के सॉयल बनाएगा। तो इसलिए जिस टाइप के वहाँ पे लैंड फॉर्म होंगे, जिस टाइप के वहाँ पे पत्थर होंगे, उसी टाइप की सॉयल वहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाएगी। सॉयल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक फाउंड ऑन दी अर्थ। जो सॉयल होती है उसमें मिट्टी के अलावा और क्या होता है? उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। कैसे ऑर्गेनिक मैटर? पत्तियाँ गिरती हैं, कुछ गिरता है, ग्रास व्रास होती है, वो सारे उसमें मिट्टी में मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो बढ़ा देते हैं सॉयल का। ठीक है, तो इस तरह से सॉयल के अंदर ऑर्गेनिक मटीरियल, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये जो प्रोसेस, ये सॉइल बनती किस प्रोसेस से है? सॉइल बनती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो रॉक्स होते हैं, जब वो वेदर कंडीशंस की वजह से, मतलब धूप छाँव, गर्मी सर्दी, पानी पड़ने की वजह से, बारिश होने की वजह से वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की वजह से टूटने फूटने लग जाते हैं। ठीक है, जब वो टूट फूट होने लग जाती है तो उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। कि रॉक के ऊपर जब वेदर की मार पड़ती है तो रॉक टूटने लग जाता है। तो जब रॉक टूटता है तो वो चूरा चूरा बना के क्या, सॉइल बनाता है। तो इस तरीके से सॉइल बनती है। ठीक है, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक दी सॉइल फर्टाइल। जिस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा, जिस सॉइल के अंदर अच्छे मिनरल्स की मात्रा होगी, ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, सब कुछ होगा, वो सॉइल फर्टाइल सॉइल कहलाएगी। ठीक है, वो सॉइल क्या कहलाएगी? फर्टाइल सॉइल कहलाएगी। अब लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। जो लैंडस्लाइड होता है उसका मतलब क्या हो जाता है कि बहुत सारी मात्रा में जो क्या कहते हैं, रॉक है, बहुत बड़ा रॉक है, या जो पूरा डेब्रिस है या मिट्टी है, वो एक स्लोप से जल्दी से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, नीचे की तरफ गिरनी स्टार्ट हो जाती है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक। ये लैंडस्लाइड होते कब है? नॉर्मल वैसे नहीं होते, लेकिन जब अर्थक्वेक्स होती हैं या फ्लड हो रहे होते हैं या वोल्केनोज आ रहे होते हैं, तो उस टाइम जो रॉक्स हैं वो टूट टूट के अपनी जगह जगह से हिल हिल के टूट टूट के नीचे की तरफ, स्लोप से नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। आपने सुना होगा कि बारिशों के सीजन में, जैसे अब साउथ वेस्ट मानसून आने वाला है, तो बारिशों के सीजन में पहाड़ी इलाकों में कितने सारे लैंडस्लाइड होते हैं। जो रॉक्स है वो इसकी वजह से, बारिश की वजह से टूट फूट के सड़क पे गिर जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है। तो ये होती है लैंडस्लाइड। अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। जो अगर मान लो बड़ा सा पत्थर गिर जाता है, बड़ा सा पत्थर क्या करेगा, रोक देगा फ्लो ऑफ द रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज टू हैव हैवॉक कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। मान लो अब पहले तो पानी बहुत सारा रोक दिया एक पत्थर ने, पहले तो पानी रोक दिया, अब वो पानी इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, सडनली वो रॉक भी टूट गया। उस पानी के इकट्ठे होने की वजह से वो रॉक भी टूट गया। अब जब वो रॉक भी टूट गया तो क्या होगा, रॉक टूटने की वजह से सडनली इतना सारा पानी नीचे गिरेगा, सडनली इतना सारा पानी नीचे गिरेगा। और जब वो इतना सारा पानी नीचे गिरेगा तो क्या होगा, जो नीचे रहने वाले लोग हैं वो पानी में डूब जाएंगे, है ना। तो इस तरह से काफी बड़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। द फॉर्मेशन, अच्छा ये हो गया। इन द हिली टेराइन लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर और वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न।
जो लैंडस्लाइड होती है वो माउंटेनियस रीजन में रेगुलरली होते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ वगैरह ये टूट जाते हैं, इनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये टूट जाते हैं। तो जब ये टूट जाते हैं तो ये रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, पानी को ब्लॉक कर देते हैं, इन सारी चीज़ों को कह देते हैं। अब नीचे एक केस स्टडी दी गई है लैंडस्लाइड्स को लेके। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रिकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ द ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। ये बता रहे हैं कि एक विलेज के पास मैसिव लैंडस्लाइड हो गया है जिसकी वजह से नेशनल हाईवे डैमेज हो गया है। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट द पंगी विलेज। ये क्यों हुआ था? ये लैंडस्लाइड हुआ था क्योंकि वहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही थी, जो पांगी विलेज है उसमें ब्लास्टिंग हो रही थी। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ द स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेज। ब्लास्ट होने की वजह से क्या हुआ, ये जो पत्थर था ये अपनी जगह से हिल गया, कोलैप्स हो गया और जो विलेज है उसको इसने नुकसान पहुंचा दिया, विलेज के ऊपर सारा का सारा आकर गिर गया। द पांगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। इसलिए जो पांगी विलेज है उसको कम्प्लीटली खाली कर दिया गया ताकि उसके ऊपर कोई और ज्यादा मतलब कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो उसमें। ठीक है, मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन मैकेनिज्म का मतलब है कि नुकसान होने से पहले अगर हम उसे रोक लेते हैं, कुछ गड़बड़ होने से पहले अगर हम उसे रोक लेते हैं तो उसे हम मिटिगेशन बोलते हैं। तो एडवांसमेंट इन द साइंटिफिक टेक्निक हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर कॉज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। देखो, अब हमें पता है कि लैंडस्लाइड बारिश में होती है, कोई बड़ा धमाका हो जाए तो हो जाती है, इस तरह से हमें पता है कि लैंडस्लाइड कब हो सकता है, राइट? तो हम ये जो डेंजर है लैंडस्लाइड का उसको हटा सकते हैं। कैसे? कि मान लो अगर जनता उसकी चपेट में आ जाती है तो कितनी ज्यादा वो हो जाएगी, हानि हो जाएगी, कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो उससे बेटर हम ऐसी जगहों पर लोगों को रहने ही नहीं देंगे जहाँ पे बार बार लैंडस्लाइड हो सकती है। या फिर ऐसा किया जा सकता है कि जब हमें पता है कि इस सीजन में लैंडस्लाइड होती है तो हम ऐसी चीजें करें ही ना जिसकी वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर हो, है ना? तो सेंसिटिव एरियाज को हम खाली रख सकते हैं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है ना? तो इस तरह से हम कर सकते हैं ताकि जो जनता है वो उसके ऊपर ज्यादा नुकसान ना आए। ठीक है, कुछ टेक्निक्स हैं लैंडस्लाइड से बचने की, वो हैं हैजर्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड। हैजर्ड मैपिंग करनी चाहिए तो ऐसे एरिया को देखने के लिए जो कि एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है, ताकि हम देख सके कि ये एरिया में लैंडस्लाइड होती है तो हम वहाँ पे जागरूक रह सके कि भैया इस एरिया पे लैंडस्लाइड रहती है तो इस एरिया में कोई बिल्डिंग बनानी ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने कुछ बनाना स्टार्ट किया पता चला लैंडस्लाइड हो गया सब खराब हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। कोई रिटेंशन वॉल हम बना सकते हैं। रिटेंशन वॉल मतलब जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिख रही है, एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है। वो क्या करता है, वो जो ऊपर से मिट्टी आ रही होती है उसको थाम के रखता है, उसको पकड़ के रखता है, उसको सडनली नीचे गिरने नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जा सकता है। दूसरा, इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जो जो वेजिटेशन होगी उसके रूट सॉइल को पकड़ के रखेंगे, उसके रूट सॉइल को पकड़ के रखेंगे, उसके रूट लैंड को पकड़ के रखेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड कम हो जाएगी या सॉइल जो है वो कम गिरेगी। द सर्फेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। जो सरफेस ड्रेनेज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब क्या? मतलब जो सरफेस पे पानी ज्यादा चलता है तो उसको कम किया जा सकता है, कि अगर हमें पता है कि इस एरिया में पानी की वजह से जो रॉक है वो बह के नीचे आ सकते हैं, लैंडस्लाइड करवा सकते हैं, तो हम ऐसा कुछ प्रबंध कर दें कि जिसकी वजह से पानी ज्यादा इकट्ठा ना हो कहीं पे, पानी ज्यादा इकट्ठा ना हो, तो ऐसा हम किया कर सकते हैं, राइट? तो ये चीजें यूज होती हैं। अच्छा, अब आगे ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो फिगर है 2.3, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मतलब कि सॉइल जो हमें दिखती है, सॉइल के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाली सॉइल होती है उसे हम बोलते हैं टॉप सॉइल, जो हमें दिखती है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। टॉप सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कीड़े मकोड़े भी रहते हैं और जैसे ये घास वगैरह भी उगती है,
पत्ती वगैरह भी गिर जाती है तो वो पत्तियां सॉइल में मिल जाती है। इस तरह से एक ऑर्गेनिक कंटेंट टॉप सॉइल में मौजूद होता है। उसके बाद दूसरे लेवल पे सब सॉइल होती है, उस सब सॉइल के अंदर क्ले होती है, सैंड होती है, सिल्ट होती है, ठीक है। थर्ड लेवल पे होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल, मतलब रॉक का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटे वेदरिंग हुई होती है, रॉक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और सबसे नीचे पेरेंट रॉक होता है, पेरेंट रॉक जिस रॉक से वो सॉइल बनी है मेन, ठीक है। तो इससे ये जो है ये इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, कि एक्चुअली सॉइल की प्रोफाइल ये है, ठीक है। अब जो सॉइल है वो जो हमें ऊपर दिखती है फाइन पार्टिकल्स वाली जो सॉइल दिखती है हमें, उसको एक्चुअली बनने में कई हजारों साल लगे रहते हैं, उसको कई हजारों साल लगे होते हैं तब जाके वो ऐसे बनी होती है। देखो पहले क्या होगा, रॉक होगा, रॉक जो है वो धीरे धीरे वेदर की वजह से टूटेगा, ठीक है, उसकी वजह से उसके टुकड़े होंगे, उसके टुकड़े होके थोड़ी सी और फिर उन टुकड़ों के और टुकड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे और पार्टिकल्स बनेंगे छोटे छोटे, ठीक है। फिर सब सॉइल बन जाएगी, अब वो सब सॉइल और घिस घिस के और छोटी हो के सॉइल बनाएगी और उस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी बन जाते हैं। और इस प्रोसेस को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो जैसे कि फैक्ट में भी दे रखा है, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। द मेजर फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। जो पेरेंट रॉक तो सबसे पहले जरूरी है, वो उसकी वजह से ही मतलब सॉइल बनेगी, कि अगर पेरेंट रॉक ही प्रेजेंट नहीं होगा तो टूटेगा फूटेगा क्या। टूट फूट के लिए सॉइल रॉक तो प्रेजेंट होना चाहिए तो जो सॉइल बनाएगा, है ना, तो इसलिए रॉक होना चाहिए। दूसरे जो फैक्टर है वो क्लाइमेटिक कंडीशन है। तीसरा फैक्टर है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। टाइम भी होता है, ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सारे फैक्टर प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं। इसको ये फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाया है, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाया है, जिसमें कि देखो क्लाइमेट क्या करता है। जैसे कि क्लाइमेट जहाँ पे रेनफॉल होती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, फ्लक्चुएट होता रहता है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे जो रॉक्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, वहाँ पे रॉक्स जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे जल्दी से, और जल्दी से मिट्टी बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा है टाइम, जितना ज़्यादा टाइम किसी जगह को मिला होगा कि सॉइल बनाने के लिए, उसकी सॉइल उतनी ही डीप होगी, उतनी ही थिक होगी। अगर उसे कम सा टाइम मिला होगा तो कम मोटी लेयर बनी होगी, ज़्यादा टाइम मिला होगा सॉइल बनाने के लिए तो ज़्यादा मोटी लेयर बनी होगी। फिर है फ्लोरा फोना एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो फ्लोरा फोना ये जो है ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, मतलब ये ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनमें जीवन है, जिनके अंदर जीवन है, राइट। ये जीवन वाली चीज़ें ये ह्यूमस बनाने में काम कर आती है। जो सॉइल के अंदर ग्रीन पार्ट होता है ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है जो सॉइल का, उसको ह्यूमस बोलते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से पेड़ पौधे उगते हैं, फर्टिलिटी अच्छी बनी रहती है, ये इन इन सब चीज़ों की वजह से आती है। रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है। मान लो अगर हिली एरिया है तो वहाँ पर तो सॉइल टिकेगी ही नहीं, सॉइल बनेगी और नीचे उतर जाएगी, सॉइल बनेगी नीचे उतर जाएगी, वहाँ पे सॉइल इकट्ठी होगी ही नहीं। लेकिन अगर कोई प्लेन एरिया है तो वहाँ पे आराम से सॉइल आएगी और सॉइल आएगी और सॉइल आएगी और वो ऊंचा होता जाएगा वो जगह। तो रिलीफ पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे सॉइल टिकेगी या नहीं टिकेगी, वहाँ की टोपोग्राफी। फिर पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, तो वो डिटरमाइन करता है कि किस रॉक से किस तरह की मिट्टी बनेगी। मान लो रेड रॉक है तो रेड रॉक से रेड कलर की मिट्टी बनेगी, जो महाराष्ट्र वगैरह रीजन में भी देखने मिल जाती है, मध्य प्रदेश वगैरह में देखने मिल जाती है। अच्छा, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है क्योंकि वहाँ का रॉक जो है वो ब्लैक है, तो इसलिए वहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने मिलेगी। कहीं पर डेजर्ट है तो डेजर्ट वाली सॉइल देखने मिलेगी। तो इस तरीके से पेरेंट रॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स।
जो सॉइल की क्वालिटी कैसे खराब हो जाती है। सॉइल की क्वालिटी बहुत सारी चीजों की वजह से खराब हो जाती है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन अगर हम कर दें तो जो सॉइल है उसके ऊपर ऑर्गेनिक कंटेंट रहेगा ही नहीं, पत्ते वगैरह ये सब रहेंगे ही नहीं, और जो सॉइल है वो बंध के भी नहीं रहेगी, सॉइल उड़ती जाएगी, है ना। तो सॉइल खराब हो जाएगी, वहां की अपर लेयर की जो सॉइल है वो उड़ के चली जाएगी, पानी के साथ बह जाएगी या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, वहां पे सॉइल टिकेगी ही नहीं, है ना। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होती है कि आपने जरूरत से ज्यादा वहां पे चराना स्टार्ट कर दिया जानवरों को, और उसकी वजह से अब वहां पे घास वगैरह कुछ भी नहीं है, और जो लैंड है वो बिल्कुल बेयर है। अगर लैंड पूरा बेयर है, पूरा नंगा लैंड है, तो क्या होगा, घास के रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़ नहीं पाएंगे, घास के रूट सॉइल को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि अब वहां पे कुछ प्लांट प्लांट है नहीं, तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो उड़ के कहीं और चली जाएगी, वो सॉइल मूवमेंट में रहेगी, कहीं बह जाएगी पानी के साथ या चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल है वो लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म उसका लॉस हो जाएगा वहां पे, ठीक है। कुछ मेथड है जिसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद द ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ टू हेल्प टू रिटेन सम मॉइस्चर। जो लैंड होता है उस लैंड के ऊपर वो क्या कर देते हैं, कुछ स्ट्रॉ वगैरह जैसी चीजें उगा देते हैं, या जो खेत है उसमें घास वगैरह को मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो घास है या कुछ जो भी चीज है वो हवा या पानी को ले जाने नहीं देती, मिट्टी को ले जाने नहीं देती, उड़ान उड़ा उड़ाने नहीं देती, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल बच जाती है, उसकी वजह से सॉइल बच जाती है और सॉइल के अंदर मॉइस्चर भी रहता है। दूसरा है कॉन्टूअर बैरियर। कॉन्टूअर बैरियर मतलब कि आपने स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग कॉन्टूअर, मतलब स्टोन्स को ग्रास को सॉइल को यूज किया जाता है एज अ बैरियर, बैरियर बनाने के लिए यूज किया जाता है, उनको बैरियर की तरह लगा दिया जाता है, जहां से भी हमें लगता है कि यहाँ पे सॉइल इरोजन हो सकता है, हम उसके आगे एक लाइन बना देते हैं, पेड़ की या कुछ ऐसी चीजें बना देते हैं, पत्थरों की लाइन बना देते हैं, कुछ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या कि वो जो मिट्टी है वो ज्यादा दूर ना जा पाए, वो कहीं और जा ही ना पाए, मिट्टी उड़े तो वहीं उसी रीजन में रह जाए, ज्यादा दूर जा ना पाए, तो इस तरह से हम उनको रोक लेते हैं। फिर रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। जो रॉक्स हैं, रॉक्स को लगाया जाता है वाटर को मतलब पानी का फ्लो को कम करने के लिए। पानी के फ्लो को कम करके रॉक्स क्या करते हैं, अपने ऊपर झेल लेते हैं पानी के फ्लो को, और पानी का फ्लो कम हो जाता है। जब पानी का फ्लो कम हो जाता है तो वो इतनी तेजी से मिट्टी को अपने साथ लेके नहीं जा सकता, फिर उसको आराम से वो लेके जाएगा पानी को, और कम अमाउंट में मिट्टी जाएगी, बहेगी, कम अमाउंट में मिट्टी साथ में बहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिट्टी के फ्लो को रोक सकते हैं नीचे पानी के साथ जाने से। फिर है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आपने पढ़ी हुई है कि टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, ये जो फिगर 2.5 दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस पे टेरेस के रूप में हम हिल को काट लेते हैं, हिल को टेरेस के रूप में काट लेते हैं, और काटने के बाद उसके ऊपर उगाते हैं सब्जियां वगैरह, जो भी उगाना है वो चीजें, क्रॉप्स इसके ऊपर उगाते हैं। इससे क्या होता है, अगर मान लो एक सीढ़ी से वो सॉइल उतरती है तो वो दूसरी सीढ़ी पे जमा हो जाती है, दूसरी से उतरती है तीसरी पे जमा हो जाती है, इस तरह से जो स्लोप है, जो गहरा स्लोप हो सकता था, स्टीप स्लोप हो सकता था, जिससे मिट्टी सडनली नीचे उतर जाए, अब वो नहीं हो पाता, अब मिट्टी जो है वो धीरे धीरे नीचे उतरेगी, अगर उतरनी भी है तो धीरे धीरे उतरेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉइल इरोजन को रोक दिया है। अच्छा, शेल्टर बेल्ट भी क्या होती है, शेल्टर बेल्ट होती है कि जब मान लो ये जो फिगर 2.7, इसमें क्या है, जो मतलब जगह है, जिस जगह से आपको सॉइल इरोजन को रोकना है, वहां पे आपने उसकी बाउंड्री पे पेड़ों को लगा दिया। अब पेड़ क्या करेंगे, पेड़ पेड़ स्पीड बैरियर की तरह एक्ट करेंगे, जैसे जब स्पीड बैरियर आता है तो कार थोड़ी धीमी हो जाती है ना, तो ऐसे ही ये स्पीड बैरियर की तरह एक्ट करेंगे और मिट्टी को ज्यादा दूर जाने नहीं देंगे, ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। तो इस तरह के से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी मेथड टू कंजर्व दी सॉइल, तो ये सारे मेथड आप सॉइल कंजर्वेशन में लिखोगे, ओके। फिर इसमें कुछ डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।